हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मंदिर का जो जाली होता है बाइक साइड में, दोस्तों हम लोग आजकल मंदिर में लगाते हैं काफ़ी सुंदर मंदिर को दिखने के लिए, तो हमारे पास दोस्तों ये एक्रेलिक का जाली है CNC कटिंग। इसको दोस्तों आज हम अपने मंदिर में फिट करके दिखाएंगे, साथ ही साथ जो हमारा दोस्तों मंदिर का फ्रंट साइड का अर्क होता है इसको भी फिट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों अभी हम वीडियो में चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसको किस तरीके से मंदिर में लगाते हैं, इसका लाइटिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। ये रहा दोस्तों हमारा मंदिर, इसी के अंदर दोस्तों हम लोग बाइक साइड में अपने इस जाली को लगाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा जाली है जो कि हमारा एक्रेलिक का जाली है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लगाने के लिए हम लोगों ने ये 1.5 इंच का थिकनेस में दोस्तों एक हम लोगों ने प्लाईवुड का टुकड़ा, ये जो हमारा मंदिर का कैबिनेट था इसके चारों ओर लगाया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। और साथ ही साथ उस पर ये जो हमारा LED का स्ट्रिप होता है उसको भी दोस्तों हम लोगों ने अंदर की साइड से इस तरीके से हम लोगों ने लगाया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बीच में LED स्ट्रिप को नहीं लगाएंगे, सिंपली दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये जो हमारी प्लाई है उसके अंदर वाली धार पर दोस्तों हम लोग लगाएंगे। और इससे दोस्तों इसका जो ग्लो होगा काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम लोग बीच वगैरह में भी लगा देते हैं काफ़ी कभी, कोई बहुत सारे कारपेंटर बीच में भी लगाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर इसमें लगाएंगे दोस्तों तो काफ़ी गंदा इफेक्ट आएगा और कम ज़्यादा उसमें आपके जाली में रोशनी रहेगी। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है लाइट को, अभी दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा फ्रेम बन करके तयार हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जो हमारा जाली है इसको दोस्तों, ये हमारा दो लेयर में है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा ऊपर का दोस्तों देख रहे हैं ये मिल्की वाइट का 6 mm का ये जाली है CNC कटिंग दोस्तों, देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों कोई भी आप डिज़ाइन इसमें कटवा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये पीछे की साइड में दोस्तों ये हमारा ये 4 mm का 040 करके ये हमारा एक्रेलिक है, इसे दोस्तों जो लाइट का इफेक्ट है इसके आर पार होगा। और ऊपर वाला जो हमारा जाली है दोस्तों इसमें लाइट आर पार नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये दो जाली, एक जाली है और साथ साथ दोस्तों इसको बाइक साइड में दोस्तों हम लोग ये जो हमारा 040 करके है इसको सबसे पहले दोस्तों हम लोग चिपका लेंगे, अगर आपको जहाँ पे यार्ड में रखना है। नहीं तो दोस्तों अगर ये उल्टा अगर आप चिपका देते हैं तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो सामने वाला है उसको आपको नीचे की साइड में रख करके, और जिसमें दोस्तों हम लोग हमारी डिज़ाइन कट होकर आई है उसी में दोस्तों हम लोग इस फेवी क्विक को अप्लाई करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जहाँ पे जगह है आपको वहाँ वहाँ पर अप्लाई कर देना है। और ये जो दोस्तों हमारा प्लेन वाला 040 वाला एक्रेलिक है इसमें दोस्तों हम लोग फेवी क्विक नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे जिस डिज़ाइन में है दोस्तों इसी में हम लोग इसमें फेवी क्विक को अप्लाई कर देते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद दोस्तों सिंपली इसको चिपका लेना है, ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका जो आगे का प्रोसेस होगा उसको करेंगे। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो अभी दोस्तों ये जो हमारा चिपकाने का प्रोसेस था अभी 2-4 मिनट और लगेगा, ये प्रॉपर इसको दबा देना है और ये चिपक जाएगा। इसको चिपकाने के बाद दोस्तों हम लोग इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको करते हैं। फाइनली दोस्तों ये जो हमारा चिपक चुका है अभी ये रहा दोस्तों हमारा मंदिर। तो अभी इसको लाइट ऑन करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं इसका प्रॉपर जो LED लगा हुआ है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अभी दोस्तों जो हम लोगों ने ये चिपकाया हुआ था जाली उसको सिंपली एक बार इसको अंदर डाल करके चेक कर लेते हैं ये प्रॉपर है। अगर थोड़ा सा बड़ा छोटा है तो आप इसको रंधे की सहायता से इसको कटिंग करके दोस्तों प्रॉपर इसको आपको बना लेना है।
जब ये प्रॉपर दोस्तों इसके अंदर से जाने लगेगा तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसको हम लोगों ने पहले से ही इसको सेट करके रखा हुआ है, इसका जो थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा था उसको एडजस्ट किया हुआ था। तो अभी दोस्तों इसको सिंपली हम लोग इसमें इसको फिट करने के लिए इसमें होल्स करेंगे। तो इसमें दोस्तों आप चाहे तो इसको चिपका भी सकते हैं, फिर भी दोस्तों अगर आपको मेंटेनेंस बाद में करना है, अगर आपकी जो एलईडी है ये ख़राब हो सकती है, इसका जो अडाप्टर होता है वो भी ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें स्क्रू कर सकते हैं। तो स्क्रू के लिए दोस्तों चाहे तो आप मिरर कैप का यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास अगर मिरर स्क्रू भी है तो उससे भी काम चल सकता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों आप इसमें मिरर कैप का जो छोटा वाला आता है उसका यूज करें। फिलहाल दोस्तों अभी हमारे पास ये मिरर स्क्रू है तो इसका ही दोस्तों यूज कर लेते हैं, बाद में तो हम लोग इसमें मिरर कैप लगा देंगे। तो दोस्तों तो इसको फिट करने के लिए दोस्तों हम लोग सिंपली इसमें चार स्क्रू लगाएंगे। तो जो हमारा प्लाईवुड था दोस्तों ये हमारा 18 mm थिकनेस में था, तो उसके अनुसार दोस्तों हम लोग आधा इंच दूरी पर लगभग दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में दोस्तों हम लोग तीन तीन स्क्रू लगाएंगे। तो स्क्रू लगाने के लिए दोस्तों हम लोग इसको मेजरमेंट से लगाते हैं, जितना भी दोस्तों हम लोग एक साइड में छोड़ेंगे तो उसी के हिसाब से ऊपर नीचे बराबर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो ये स्क्रू दिखेगा तो इसको अगर बराबर लगा रहेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सिंपली दोस्तों इसको आपको टेप की सहायता से एकदम बराबर करके लगा देना है और बीच वाला स्क्रू इसको सेंटर में ले लेना है। अभी सिंपली दोस्तों हम लोग ये जो हमारा 316 का बिट होता है उसकी सहायता से इसमें जो फ्री होल बना देते हैं, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसका फ्री होल तैयार कर लेते हैं। ये हमारा दोस्तों जो होल करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी दोस्तों इसको हम लोग सिंपली जो हमारा मंदिर था इसको थोड़ा सा क्लीन करने के बाद इसको लेके चलते हैं और इसको प्रॉपर लगा देते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम लोग जो हमारा मिरर स्क्रू था उसको भी लगा देंगे। तो हमारा जो ये बाइक वाला जाली था ये इसको आसानी के साथ फिट कर लेंगे। अभी दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस जाली को लगाने के बाद इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर दोस्तों अभी फ़िलहाल दोस्तों हम लोग इसमें एक्रेलिक का जाली का यूज़ किया हुआ है तो अभी इसका इस तरीके से इफ़ेक्ट आ रहा है। आप चाहे तो उसको इसका और अच्छा इफ़ेक्ट देने के लिए आप चाहे तो इसमें जो हमारा MDF की जाली होती है उसका भी यूज कर सकते हैं, बट दोस्तों उसको आपको पेंट कराना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी ये एक्रेलिक देखने में तो अच्छा लगता है, अगर थोड़ा सा लाइट जलाने के बाद थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट थोड़ा सा दोस्तों आता है इसको इस तरीके से। आप चाहे तो जाली के लिए दोस्तों आप प्लाईवुड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट दोस्तों आपको सभी को इसमें पेंट कराना पड़ेगा जो हमारा डेको पेंट होता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इसको होल करने के बाद मिरर को स्क्रू को लगा दे रहे हैं। हमारा रहा लास्ट स्क्रू। और स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों जो हमारा स्क्रू का कैप होता है उसका भी हम लोग सिंपली लगा देंगे। ये जो हमारा मंदिर था इसमें हम लोगों ने जाली को लगा दिया है बैक साइड वाली। अभी दोस्तों हम लोग जो हमारा फ्रंट साइड में जो हमारा अर्क था उसके लगाने का दोस्तों थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताते हैं इसको किस तरीके से हम लोगों ने लगाया है इस मंदिर में। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एक हम लोगों ने जो हमारा ये जाली था
इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको प्रॉपर इसको इसके अंदर बराबर अंदर वगैरह मार के आपको फिट कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 6 mm का प्लाई एक जो हमारा ऑफ वाइट कलर का लेमिनेट को पेस्ट करते हुए साइड में लगाया था, और साथ ही साथ दोस्तों इसको इस तरीके से आपको चिपकाना है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने इसमें आप चाहे तो उसमें फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारा फास्ट वाला दोस्तों एरर लाइट आता है उसका भी दोस्तों हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो इसको दोस्तों हम लोग लगाने के बाद सिंपली इसको इस तरीके से हम लोग इसको चिपका देंगे। तो ये हमारा दोस्तों ये जो सामने वाला अर्क है ये लग जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों अभी हम फटाफट इसको इसका चिपका देते हैं इसको। फिलहाल दोस्तों इसको हम लोगों ने चिपका दिया है एरो लाइट की सहायता से। तो आप भी बड़ी आसानी के साथ इस तरीके से मंदिर में जाली और सामने वाला अर्क को फिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।